हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छी होंगी और अपनों का ध्यान रख रहे होंगी। गोस्वामी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड मैंने कर दिया है अपना ब्लॉग स्टार्ट। और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देती हो, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और मैंने यहाँ एंजल को सुबह ही नहला दिया है क्योंकि मैं इनको सुबह ही नहला के तैयार कर देती हूँ तो समझ लो ये रेडी हो जाते हैं तो सारा काम मतलब फिनिश हो जाता है। यहाँ तो वैसे भी नहीं है कोई काम और फिर मैं बाद में रेडी होती हूँ, पहले इनको रेडी करने के लिए। और यहाँ हमारी छोटी सी परी भी रेडी हो चुकी है। हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। और कैसे हो सब? कि मैं आपको बहुत पसंद आती हूँ, बोलो। अरे नहीं, पर इनको बोलो, इनको बोलो कि आपको बोलेंगे है ना, आप बोलोगे ना फिर आपको बोलेंगे। पता नहीं ये लड़की कैसी है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा था? आपको मेकअप कैसा लगा था मुझे प्लीज बताओ ना। हाँ इनको बताना है आपको कि आप लोगों को इनका मेकअप लगा है कैसा। और भाभी लगा रही है झाड़ू इधर। ये हम मेरी जो सिस्टर है इधर थोड़े कपड़े मैंने बेबी की पन्नी वगैरह रखी हुई है, सूती कपड़ा यूज करती हूँ क्योंकि आजकल गर्मी में गर्मी लगती है, धूप काफ़ी तेज़ आ रही है, हमारे यहाँ सामने की धूप आ जाती है, सामने से निकल के आते हैं सूर्य देवता। और यहाँ ये धो रही है कपड़े और वैसे आधे कपड़े धुल चुके हैं, इसमें सूखने के लिए डाले हैं तो लाइट चली गई है तो इसलिए नहीं सूखे, लाइट आ जाएगी तो सूख जाएंगे। और गर्मी इतनी तेज है ना, बहुत तेज़ है, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे सच में पता है। अब मैं चाहती हूँ जल्दी से गर्मी चली जाए, जाड़े आ जाए। आप लोग बताना किस किस को गर्मियाँ पसंद है, किस किस को सर्दियाँ पसंद है। इसमें पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया है और बस फिर पोछा लगाना बाकी है। और उधर झाड़ू लगा रही हैं बैठक पे, इधर ही लाएंगी आधा और उससे जो बाहर है उससे बाहर झाड़ू लगा के आएगी मेरी सिस्टर छोटी वाली। भाभी नहीं जाती है, कभी कभी चले कभी कभी चली जाती हैं, जब कुछ देखना होता है तब जाती हैं, झाड़ू लगाने नहीं जाती हैं। और इधर हमारे पशुओं के लिए है भूस, मतलब भूस भूसा भी बोलते हैं, भूस भूसा यही बोलते हैं शायद, इसका तो कोई और नाम ही नहीं होगा, इंग्लिश में क्या होगा यही नाम होगा। तो यहाँ भी रोज सफाई करनी पड़ती है, कर रही हैं झाड़ू लगा रही हैं भाभी। और इसमें भी हमने अपने गेहूँ जो टंकी भी बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं कोठी है ना, लेकिन भाभी के यहाँ भी टंकी बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ भी पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बोलते हैं ना, कोठी बोलते हैं मुझे याद नहीं है।
गाना गा रही है, सुन रही यशोदा मैया तेरा लल्ला बड़ा सताता है। और आप कैसे शिवी? इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है। चलो अब दूसरा गाओ, चलो दूसरे गाने पे डांस करो। हम लोग खाना खाने से पहले डांस कर रहे हैं, समाई शिवी डांस परफॉर्मेंस कर रही है ना। चलो कोई भी गा दो, कोई भी अपने मन का, कोई भी मर्जी आपकी। हाँ हाँ और गाओ कोई भी। इधर देखो, हाँ डाली आँखों में स्याही, डाली आँखों में स्याही, इधर करो फेस। कौन से गाने आ रहे हो अब? बाग पे जाचा कहाँ करोगे शादी? मम्मा की हुई थी। मम्मा की तो ढकिया में हुई थी। मम्मा की तो आप किससे करोगे शादी? अनमोल भैया से। अनमोल भैया से क्यों करोगे? हमारे हाथ में टेडी बियर होगा, शादी कर दे टेडी। तो उनसे क्यों करोगे आप शादी? क्यों करोगे आप अनमोल भाई से शादी? हाँ मम्मी करेगी। ऐसे चुन्नी और के शादी करोगे? क्यों करोगे आप शादी ये बताओ? मुझे मन लग रहा है शादी करने का। राधा कृष्ण बने थे है ना राधा? हाँ मन हो रहा है शादी करने का। शादी के बाद क्या होगा? गाड़ी से कहाँ जाओगे? गाड़ी किसके? अपने, ये मेरा घर होगा, वो अनमोल का घर होगा मुंबई वाला। अच्छा वो अनमोल का घर होगा मुंबई वाला। अच्छा क्या खाया करोगे शादी के बाद? रसगुल्ले चावल। रसगुल्ले चावल रसगुल्ले से चिपक गई हैं। रसगुल्ला चावल लहंगा भी डालना। क्या 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 पहनोगे बुआ जी की शादी में? नहीं वो तो आपने बहुत डाल दिया। जो आपके ससुराल से आएगा क्या वो पहनेगा? जो मेरे आपके ससुराल से एक लहंगा आएगा ना आपके लिए, रात में मेरे लिए भी मंगवा लेना एक लहंगा। जरूर कौन सा लहंगा? आपके ससुराल से आएगा ना लहंगा कि नहीं? ज्यादा खर्चा नहीं करते, मैं यही वाला लहंगा पहन के चली जाऊंगी। जानती है खर्चा नहीं करते ज्यादा, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए है ना बेटा? हाँ तो बोलना ज्यादा नहीं लाना हमारे लिए लहंगा वगैरह। बेटा हम कहेंगे पप्पा जी हमारी बेटी के लिए भी लाना, कांसा के लिए रहोगे तो मेरी बेटी के लिए भी लाना लहंगा। टू टू लहंगे लाना, थ्री गिनवा दे उसने। ये अभी ये भी तो है कि थ्री लहंगे लाना, ये भी तो है अभी। ये छोटी सी है, यानी बहन भाई दुर्वी के लिए मंगवाओगे लहंगा? ये छोटी है। अच्छा मैं कैसे? अच्छा मेरे बनता है। अच्छा मेरी बेटी के लिए नहीं आएगा लहंगा, आपके लिए ही आएगा है ना?
वो तो मौसी जी के शादी में पहनेंगी नहीं, आप ही पहनोगे बुआ जी की शादी में। अच्छा। हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मेरे जो मामा जी हैं, मेरे मम्मी के भाई, मेरे सगे ही मामा जी हैं, क्योंकि उनकी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका अचानक से मतलब तबीयत तो उनकी काफ़ी टाइम से ख़राब चली रही थी, तो मम्मी जी उनको देखने के लिए गई भी थी, लेकिन अगले दिन ही उनका मतलब वहाँ से मामा जी के यहाँ से फ़ोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, वो खाते पीते नहीं थे, इसलिए उनकी तबीयत ज़्यादा ही दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तो मम्मी जैसे देख के आई, अगले दिन सुबह ही फ़ोन आ गया कि हाँ मामा जी की हमारे डेथ हो गई है। तो मम्मी जी को क्या हुआ, दोबारा जाना पड़ा इन लोगों को, तभी सुबह ही जाना पड़ा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट दुआ करूँगी भगवान से कि मेरे जो मामा जी हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को शक्ति दे ये सब सहन करने की। और आप लोग भी प्रे करना प्लीज़ कि जो मेरे मामा जी हैं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान जी, उनकी आत्मा को शांति मिले, और मेरी जो मामा जी की फैमिली है उनको शक्ति दे इस दुख से निकलने की, और बस भगवान उनका साथ देता रहे प्लीज। देखिए, आना जाना तो सब लगा ही, ये तो जान आए हैं तो जाना भी है, और एक न एक दिन सबको ही जाना है, लेकिन जो ये समय होता है बहुत कठिन समय होता है, फैमिली बहुत ज़्यादा सदमे में भी चली जाती है, तो इसलिए प्लीज़ प्रे करना उनकी आत्मा को शांति दे। और मैंने जो भी मतलब जो लोग हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, तो वो मेरा पहले का उससे एक दिन पहले का क्लिप है जो कि मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे में कहाँ मन करता है कुछ करने का भी नहीं कर रहा था, बस मैं आप लोग के साथ अपना ये दुख शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं अपना ये दुख आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।